हर माता पिता चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दूं, मैं एक कमाल का फ्यूचर उनके लिए बनाऊं। हम अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति, अपनी अपना जो कुछ है, हम सब कुछ बच्चों पर निछावर कर देते हैं ताकि हम उनका एक सुनहरा भविष्य बना सकें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई माता पिता बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते, इवन बच्चे अपना भविष्य नहीं बना सकते। ये कैसी बात मैंने कह दी, ये तो अजीब है। हाँ, हम केवल अपनी आदतें बना सकते हैं, केवल हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं उनकी आदतें बनाने में। आज वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हर छोटी बड़ी चीज़ वो कैसे कर रहे हैं, हम उनकी आदतें बनाने में हम उनकी मदद कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं। और आदतें व्यक्ति का भविष्य बनाती हैं। कोई भी इंसान, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसकी जो आदतें हैं वो उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मिलीनियर्स हों, बिलीनियर्स हों, लेकिन क्या वो आदतें हमने उनमें डाली। हम वॉरेन बफेट की तारीफ करते हैं, देखो $100 बिलियन उसके पास है। हाँ, अच्छी बात है, $100 बिलियन है, लेकिन वो कैसे बने $100 बिलियन? ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके माता पिता ने उसको सिखाया। 10 साल की उम्र से वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था और 30 साल की उम्र में वो मिलीनियर बन गए थे। फिर 56 साल की उम्र में उनकी जो संपत्ति थी वो 3.8 बिलियन की हो गई थी और धीरे 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 और बढ़ती बढ़ती आज की डेट में 100 बिलियन से ऊपर उनके पास है। कैसे हुआ? आदत की वजह से हुआ। बहुत छोटी उम्र से एक इन्वेस्टमेंट की आदत थी, जीवन को बदल दिया। तो आदतें जीवन को बनाती हैं। हर चीज जो हमारे पास है, अच्छी भली बुरी जो हमारे पास है, हमारी आदतें हमारे जीवन को निर्मित करती हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को बनाती है और हमारा व्यक्तित्व हमारे जीवन को बनाता है। तो हम कभी बच्चे के भविष्य को नहीं बनाते, हम उसकी आदतों को बनाते हैं। तो ये आदतें कैसे बनाएं? सबसे पहले इसकी बेसिक को बात को समझिए। अक्सर पेरेंट क्या करते, बच्चे को डांटते हैं, तू सुबह जल्दी नहीं उठता, तू ये नहीं करता, तू पढ़ाई नहीं करता, तू होमवर्क नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता, तू वैसा नहीं करता, और लगातार हम उसको इतना उलहाना देते हैं, इतना हम उसे डांट देते हैं जाने अनजाने में, स्कूल में, घर में, यहाँ वहाँ। बच्चों को लगता है यार मैं तो ना आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर कई बार बच्चे विद्रोह कर देते हैं और कई बार बच्चे जो ना सप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को उनकी आदतों को बनाने में सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और ये आदतें कैसे बनती हैं, इसके लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने बच्चे को उसके आदतों के बारे में सजग करिए। सुबह से लेकर रात तक वो क्या क्या करता है उसे बोलिए, एक सूची बनाएं, उसमें अच्छी आदतें क्या, बुरी आदतें क्या, दोनों को अलग अलग करें। और फिर उससे पूछिए कि वो कौन कौन सी अच्छी आदतें अपने अंदर लाना चाहता है, और फिर वो आदतें कैसे आएंगी कि जो तुम्हारी एक अच्छी आदत है उसके साथ एक नई अच्छी आदत को जो तुम लाना चाहते हो उसको जोड़ दो। इसे हैबिट स्टैक कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हुआ अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस, जो तुम कर रहे हो अनकॉन्शियसली, जो तुम करते चले जा रहे हो उसके बारे में सजग होना, उसके बारे में अवेयर होना। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हैबिट स्टैकिंग, पॉजिटिव हैबिट, कुछ एक पॉजिटिव हैबिट है ना उसके साथ कुछ नई छोटी छोटी हैबिट्स को जोड़ते चले जाना, इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि बच्चे को हम सोचते हैं ना उसको मोटिवेट करेंगे तो वो बहुत अच्छा कर लेगा। मोटिवेशन पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं, चलो आज तुमको प्रेरित कर, लेकिन मोटिवेशन 2-4 दिन से ज्यादा चलता नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, बच्चे का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। हम यहाँ शाना इंटरनेशनल स्कूल में संवित गुरुकुलम में क्या करते हैं, एक एक बच्चों को परिवेश देते हैं, उस परिवेश में बच्चे की हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाती है, बच्चे की पर्सनैलिटी में चेंज आने लगता है, पढ़ाई में उसको मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है। सेम यही चीज़ आपको घर पे करने की जरूरत है। बच्चे का जो एनवायरमेंट है ना उसको एनरिच करिए, उसको पॉजिटिव बनाइए, कंस्ट्रक्टिव बनाइए। जो चीज़ें आपको लगता है कि इसके लाइफ में नहीं होनी चाहिए वो उसके एनवायरमेंट से, उसके सराउंडिंग से उन चीज़ों को आप हटाते चले जाइए। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिसे मैं कहता हूँ स्कोर कार्ड, बच्चे ने आज कितना अपनी पॉजिटिव हैबिट्स पर काम किया उनके बारे में ना निशान लगा, ये तुमने अच्छा किया, ये तुमने अच्छा किया, ये तुमने अच्छा किया। एक स्कोर कार्ड जैसा जो है वो बच्चे के सामने हमें रखना चाहिए। और जब वो स्कोर कार्ड पे बच्चे की नजर पड़ती है ना, यार मैं पिछले 10 दिन से ये लगातार ऐसा कर रहा हूं, मैं टाइम पे अपना होमवर्क कर रहा हूं, मैं टाइम पे उठ जा रहा हूं, मैं टाइम पे ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इन पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में जितना उसको अपने स्कोर कार्ड में साफ चीजें दिखाई देंगी उतना उसकी सेल्फ इमेज चेंज होने लगेगी। उसे लगेगा ओह मैंने इतना अचीव कर लिया, मैं इतना काबिल हूं, मैं इतना अच्छा कर सकता हूं। ये जो आइडेंटिटी हम बच्चे की फॉर्म करते हैं, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, मैं अच्छा स्टूडेंट हो, देखो मैंने टाइम पे सारा काम कर लिया, तो उसको अच्छी चीजों के लिए लगातार एक चार्ट जैसा बना के उसमें हम टिक टिक करते रहते हैं, शाबाश आज अच्छा किया, आज और अच्छा किया, आज और अच्छा किया, तो हम उसकी आइडेंटिटी को निर्मित करते हैं। और ये जो आइडेंटिटी है अल्टीमेटली
जब उसको लगने लगता है कि मैं एक होनहार विद्यार्थी हूँ, टाइम पे हर चीज़ को करता हूँ, ये आइडेंटिटी ही है जो बाद में उस आदत को जो है ना मजबूत कर देती है, उसको उसका उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बना देती है। यू गॉट माई पॉइंट? तो उसकी आदतों के बारे में उसको सजग करिए। अनकॉन्शियसली जो करता है वो पहले उसकी एक लिस्ट बनाइए, अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस। उसके बाद हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि उसकी जो सकारात्मक आदतें पहले से हैं उनके साथ नई आदतों को जोड़ते चले जाइए। तीसरी चीज़, उसके एनवायरनमेंट को एनरिच करिए, उसके आसपास के वातावरण को अच्छा बनाइए। पॉजिटिव चीज़ें, लोग अच्छा कर रहे हैं उसको प्रेरणा दीजिए। घर में लोग देर तक सो रहे हैं और फिर हम बच्चे को डांटें कि तू जल्दी नहीं उठता, गड़बड़ है। तो आसपास सब लोग जल्दी उठ जा रहे हैं, तो जहाँ यही हो रहा है संवेद गुरुकुल में, बच्चे जो हैं वो सुबह 4:30-5 बजे उड़ जाते हैं तो दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं। तो यही हमें घर पे क्रिएट करना है, ठीक है। और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे की आइडेंटिटी, उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता चले जाना चाहिए। स्कोर कार्ड पे बेटा शाबाश, ये कर दिया, ये जो फीलिंग है उसको आती चली जानी चाहिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे को डांटने की जगह उसकी आदतें निर्मित करने पे काम करेंगे, और आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आपको अगर ये अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।